विराटनगर विहिप के अध्यक्ष राजीव चौबे ने मृतक चंद्रशेखर ठाकुर की पत्नी को 51,000 रुपए की आर्थिक मदद की है। मृतक चंद्रशेखर की पत्नी विश्व हिंदू परिषद के धरना स्थल पर अपने परिजनों के साथ पहुंची थी। कोहका में बीते दिनों चंद्रशेखर की हुई हत्या के बाद से मृतक के परिजनों को 50,00,000 रुपए मुआवजा और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद का धरना और क्रमिक भूख हड़ताल बीते 4 दिनों से जारी है, जिसमें बजरंग दल के पदाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की भूख हड़ताल और धरने का समर्थन शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी किया है। विश्व हिंदू परिषद के धरने में मृतक चंद्रशेखर की पत्नी भी अपने परिजनों और 5 छोटे बच्चों के साथ शामिल हुई। यहाँ भिलाई नगर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राजू चौबे ने मृतक की पत्नी को 51,000 रुपये की आर्थिक मदद की, साथ ही भविष्य में यथासंभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। विश्व हिंदू परिषद के धरने और भूख हड़ताल में मृतक चंद्रशेखर के परिजन भी शामिल हो रहे हैं। आर्थिक सहयोग प्राप्त कर मृतक चंद्रशेखर की पत्नी ने कहा कि प्रशासन का कोई भी जवाबदार अधिकारी अब तक हमसे मुलाकात करने नहीं आया है। भविष्य में बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परिवार का गुजारा कैसे होगा, इसकी चिंता उन्हें सता रही है। मांग ये है कि 50,00,000 के मुआवजा चाहिए और प्लस मोर सरकारी नौकरी और मोर पति ने साथ चाहिए। 2 जन बस पकड़ा है, 10 जन ये सुमन है, 10 जन पकड़ना चाहिए। फांसी के कम से कम फांसी के तो सजा होना चाहिए सर। अब वो खर जाए बात तो मोर पालन पोषण कर रही है तो वही रही सर। अब मैं एक ही थाना का कर सकती हूँ, मैं ओकर साथ में मैं ही काम में जात रही हूँ, वो लेगत रही सर। अब मोर 55 जन लोग लड़का है, अब मैं वो कैसे करके पालन पोषण, अब पालन पोषण करने के लिए तो शासन के सामने तो आना चाहिए ना। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे। न्याय तो मिलना चाहिए ना सर। अब हम लोग आदिवासी हैं, आप बोलते हैं शासन के हम लोग आदिवासी के साथ में हैं, आदिवासी के साथ में, अभी तक तो कोई आदिवासी के साथ में आया ही नहीं, कोई प्रशासन सामने नहीं आया। विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर के अध्यक्ष राजू चौबे ने कहा कि मृतक के परिवार को न्याय नहीं मिलने तक धरना और क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। पीड़ित परिवार को परिषद की ओर से 51,000 रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई गई है। जो कोटा में जो हत्याकांड हुआ, चंद्रशेखर ठाकुर आदिवासी युवक की हत्या हुई, 2 दिन के अंतराल था। इसके पहले मलकीत सिंह की हत्या हुई थी कुर्सी पार में और शासन ने तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए बड़ी तत्परता से उनको मुआवजा भी दिया, उनकी पत्नी की नौकरी की भी घोषणा कर दी, बच्चों की पढ़ाई की भी घोषणा कर दी। वही स्थिति यहाँ पर है, एक आदिवासी युवक की मृत्यु और उसकी हत्या हुई है और उसमें शासन के काम में जू नहीं रहेंगी अभी तक, और उनकी तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई। हमारी मांग है जिस तरह उनको मुआवजा दिया गया, इनको भी 50,00,000 रुपए की राशि मुआवजे के रूप में दी जाए। 5 छोटे छोटे बच्चे हैं मृतक के, 5, जिसमें से सबसे छोटा बच्चा 2 वर्ष का है, अनपढ़ पत्नी है, उसको रोजगार नहीं है, पढ़ाने वाला अकेला व्यक्ति जा चुका है, तो 50,00,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए, उसकी पत्नी को शासकीय नौकरी दी जाए और उनके बच्चों की पढ़ाई जिस तरह की आत्मानंद में उनके मलकित के बच्चों की व्यवस्था की गई, आत्मानंद स्कूल में इन बच्चों की भी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, ये हमारी मांग है। किसी से कोई बात नहीं हुई है, प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। आज हमने आपस में कुछ राशि एकत्रित की है और 51,000 रुपये की आर्थिक मदद आज हम कर रहे हैं। भविष्य में और इस प्रकार की जो आवश्यकता उस परिवार को पड़ेगी, तो वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर और आगे जो भी उनको आवश्यकता होगी उसको हम हर संभव प्रयास पूरा करने का प्रयास करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के धरने और भूख हड़ताल पंडाल में प्रतिदिन लोगों की भीड़ उमड़ रही है, सभी ने इसे अपना समर्थन दिया है। पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है, इसका सभी को इंतजार है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।